नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों को मानसिक यानी कि पीरियड्स क्यों होते हैं? आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? हर महीने उन्हें इतनी दर्दनाक पीड़ा का सामना क्यों करना पड़ता है? इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल ये स्त्रियों को मिले श्राप के कारण होता है। और यह श्राप क्यों स्त्रियों को मिला और किसने दिया, आज मैं यह सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मानसिक धर्म यानी कि पीरियड्स महिलाओं के लिए एक ऐसी समस्या है जो उन्हें हर माह होती है। इस समस्या को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में यह सवाल उठता है, यह समस्या उन्हें ही क्यों भुगतनी पड़ती है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब दिया गया है भागवत पुराण में, जिसमें बताया गया है कि स्त्रियों को असल में मानसिक धर्म क्यों होता है। यह कथा तब की है जब देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। इसी का फायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तब इस समस्या का निवारण करते हुए ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, जिससे उनकी गद्दी उन्हें वापस मिल सकती है। इस आज्ञा का पालन करने के लिए इंद्रदेव ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बात से इंद्रदेव अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता एक असुर थी और इसीलिए उसके मन में असुरों के लिए विशेष स्थान था, और इसीलिए वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की जगह असुरों को चढ़ा रहा था। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो एक राक्षस के रूप में उनके पीछे पड़ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने खुद को एक फूल में छिपा लिया और 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान ने खुश होकर इंद्रदेव को बचा लिया। पाप से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रदेव को एक उपाय सुझाया। भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि वे इस पाप के कुछ अंश पेड़ को, पृथ्वी को, जल को और स्त्री को दे दें। उसके बाद इन चारों ने इंद्रदेव का ये आग्रह स्वीकार कर लिया और उनसे अपने लिए एक वरदान मांगा। इस पाप के अंश के बदले में पेड़ को वरदान मिला कि वह अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकती है। पृथ्वी को वरदान मिला कि उसकी सभी चोटें अपने आप भर जाएंगी, और अंत में स्त्री को देवराज इंद्र के श्राप के रूप में मानसिक धर्म की यातना मिली, जिसके लिए इंद्रदेव ने स्त्री को यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा से अधिक दुगना शारीरिक सुख प्राप्त करेगी।